आज हम जो है ये एसएससी का जो है एसएससी सीबीएसई का पोर्शन सेम है, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कोई भी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स फिर कॉन्स्टेंट, ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट। अब ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट नहीं भी रहा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा भी हो सकता है एक्स भी नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, मस्ट जो है ये एक्स स्क्वायर है ना, कैसे भी एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट एक जनरल फॉर्म है। ऐसा हो सकता है कि बगैर कॉन्स्टेंट है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर निकल गया समझो, कोई टर्म ये है, तो ये लीनियर इक्वेशन आता है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। तो क्वाड्रेटिक के लिए मस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर कैसा भी रहना। तो उस वहां से हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक। फर्स्ट फॉर्मूला, द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या रहेंगे बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ब्रैकेट में डालेंगे हम ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों बोलो, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तो ये एक्स स्क्वायर चले गया, तो एक्स से स्टार्ट हो तो क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते। इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो छोड़ के कोई और वैल्यू। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखना है अपने को। सपोज एक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा कॉन्सेप्ट देख के हम फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। अब ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने से जीरो आएगा, उसको बोलते वैल्यू ऑफ एक्स, यानी तो रूट ऑफ एक्स या तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते। एक्स की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करने से जीरो आना, तो जनरली यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल के यूज करते हैं। मिसाल आगे तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। सपोज एक्स की जगह इसमें टू रख डालो, अगर आप इसमें एक्स की जगह टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, माइनस फाइव टू सा टेन, तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। सपोज एक्स की जगह पे थ्री रखो, तो थ्री रखे तो क्या आएगा, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स की जगह पे थ्री प्लस सिक्स, थ्री स्क्वायर थ्री थ्री सा नाइन, माइनस फाइव थ्री सा फिफ्टीन प्लस सिक्स, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन होता है, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ समझा रहा हूँ, तो ये भी जीरो हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो वैल्यूज ऐसे होते हैं जो अक्सर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो जीरो आना, एक्स की वो वैल्यू जिससे एक्स को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू जीरो आना, उसको बोलते रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। सिर्फ दो रूट्स आएंगे, है ना, दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स। रूट्स क्या है, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रूट्स आएंगे। तो जनरली हम उसको अल्फा और बीटा से बताते हैं, तो क्या रहेगा बोलो, हाँ द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई, विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक, सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में क्यू एक डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जनरली डिनोटेड बाई, किसे डिनोट करते, डिनोटेड बाई अल्फा एंड बीटा, डिनोटेड बाई अल्फा एंड बीटा, अक्सर अल्फा और बीटा से डिनोट। तो सेकेंड मीडिया है ना, वो वैल्यूज एक्स के जो इक्वेशन सेटिस्फाई करते उसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। कितने रूट्स होते हैं, दो। अब ये दो रूट्स फाइंड करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं टू फाइंड रूट्स, यहाँ पे तीन मेथड्स यूज करने हैं टू फाइंड रूट्स, रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स। तो एक मेथड रहेगा हमारा फैक्टराइजेशन बोलेंगे, फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड रहेगा इसको यूजिंग फॉर्मूला बोलेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्म, और थर्ड वन रहेगा, थर्ड वन कंप्लीटिंग इन परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग इन टू परफेक्ट स्क्वायर।
अब ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, क्या है ये हम एक के बाद एक देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स माउंट करना है तो इसके तीन मेथड्स रहेंगे। पहला मेथड रहेगा फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड रहेगा यूजिंग फॉर्मूले, और तीसरा मेथड रहेगा कंप्लीटिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसके बारे में हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। अब ये चंद क्वेश्चंस देखेंगे हम फैक्टराइजेशन पे, है ना, थोड़े प्रैक्टिस के लिए थोड़े क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। अभी इसमें देखो ये क्वेश्चंस लिख डाला मैं, फैक्टराइज बोला या फाइंड द रूट्स बोला या सॉल्व द इक्वेशन बोला या फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बोला, ये सारे मतलब एक ही होते हैं। फैक्टराइजेशन या तो फैक्टराइज बोले तो एक्स के वैल्यूज माउंट करने पे, या फाइंड द रूट्स या फाइंड द इक्वे, है ना, सॉल्यूशंस पूछा समझो, या रूट्स वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फर्स्ट वन ले लेंगे हम। अब ये दो चार क्वेश्चंस डिटेल में समझ जाओ ताकि हमको फैक्टराइजेशन का एक्चुअल मेथड समझ में आए। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बोलते हैं उसको टू, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो वन रहेगा कोफिशियंट। अब ये टू इंटू माइनस सिक्स, टू इंटू माइनस सिक्स क्या होगा माइनस ट्वेल्व, इस साइड में लिख डालो माइनस ट्वेल्व। अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो माइनस ट्वेल्व आना, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो माइनस ट्वेल्व आना। बीच में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या समझना, वन है यहाँ पे, वन है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, वन। तो मसला क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो माइनस ट्वेल्व आना, एड या सबट्रैक्ट करे तो वन आना, माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई करे तो। अगर बेसिक है अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, देखते आना, सपोज वन ट्वेल्व से करें आप मल्टीप्लाई तो 12 आता, लेकिन एक हाथ को माइनस लगाया तो क्या होता, 11 आता, 1 नहीं आता। 2, 6 से भी करेंगे अब ऐड कर तो 8 हो रहा, सबट्रैक्ट कर तो 4 हो रहा, तो ये भी नहीं आता। फिर देखते हैं ना सर, प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले इनिशियली क्या होता, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता, 3 4 होता है, 3 4 12 हो गया। अब ये माइनस 12 होना है तो ये दोनों में से कोई एक को माइनस लगाना। अब ये दोनों में से कोई एक को कैसे माइनस लगाएंगे, अपने को ऐड कर तो प्लस 1 आना है। अगर सपोज आप यहाँ माइनस 4 को लगा दिए तो ये 3 माइनस 4 माइनस 1 होता, प्लस 1 नहीं होता। इसलिए माइनस जो है बजाय माइनस 4 को लगाने के माइनस को लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 12, ऐड करो 3 माइनस 3 प्लस 4 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसा हम नंबर्स को सर्च करके देख दिया ना, है ना। अक्सर प्रोफेसर पढ़ाने वाले टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट डालते, लेकिन इनिशियली क्या है अपन प्रैक्टिस करते करते फिर अपने पास परफेक्शन आता। तो कैसा करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 2x स्क्वायर। अब ये नंबर को ये दो नंबर्स में चेंज करना, x के बजाय क्या लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 4x, x के बजाय माइनस 3x प्लस 4x, x के बजाय माइनस 3x प्लस 4x, फिर क्या हो गया माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर एज इट इज। अब ये x को हम चेंज करेंगे ये दो में, माइनस 3x प्लस 4x, उतना होता ना 4x माइनस 3x ही होता, माइनस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमेशा ये दोनों में से कॉमन लेना, ये दोनों में से कॉमन लेना, हमेशा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेते जाएंगे। अब बताइए ये दोनों में क्या आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, नंबर्स में तो कॉमन नहीं आता, यानी 2 और 3 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, 1 छोड़ के, तो सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले तो 1x बच जाता, ये 2 तो है ही, और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले तो 1x बच गया माइनस, यहाँ से एक्स बाहर निकाल डाले कॉमन, यानी बाहर निकाल डाले तो क्या बचा 3, तो ये हो गया प्लस। वैसे यहाँ पे कॉमन लेना, नंबर्स में देखो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 2 होता, ये भी 2 से डिवाइड होता, ये भी 2 से डिवाइड होता, इसलिए 2 कॉमन ले लो, x तो नहीं ले सकते, x इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन ले, कॉमन यानी डिवाइड, तो 4/2 क्या हो जाएंगे 2, तो ये होता 2x माइनस कॉमन का मतलब डिवाइड, 6/2 क्या हो जाएंगे 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन सही करें नहीं करें कैसा होना, हमेशा दो वैल्यू सेम आते, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, ये दो सेम है तो समझना आप सही जा रहे हैं। अब ये दोनों में से कॉमन ले लो 2x माइनस 3, अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, आप 2x प्लस माइनस 3 बाहर निकाल डाले, इसको बाहर निकाल दो क्या बचा x, वो यहाँ पर लिख डाले, और वैसे इसको बाहर निकाल डाले, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग करना इसको, कैसे, 1 हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दोनों में से कोई 0 ले सकते, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लो इसमें से x की वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व कर लो इसमें से x की वैल्यू आएंगी, तो 3 उधर लेके चले आओ 2x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3/2, वैसे प्लस 2 उधर लेके तो -2x इक्वल्स टू -2। तो ये है सॉल्विंग, है ना। इसको प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है था नहीं, उसको एक दो स्टेप सॉल्व करके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, इसको एक बार अच्छा प्रैक्टिस कर लो आप लोग, इसको पॉज पे रख के देख लो, इसको
इसमें कोई डाउट्स है तो डिस्कस करेंगे उसको। वैसे ही आप ये पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करते आएंगे इंशाल्लाह, तो धीरे धीरे कर पाता। अब ये पहला क्वेश्चन करें हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है ना ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाता। जैसा यहाँ पे देखो ये एक्स माइनस थ्री बाई एक्स इक्वल्स टू, अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता। कैसा, सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम में तो ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये ले लो एलसीएम एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब एलसीएम के बाद क्या होगा, होल डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू टू, ये एक्स उधर लेके चलो एक्स उधर लेके चलो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू टू एक्स। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लो, कैसा क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे, प्लस टू एक्स इधर लाया तो माइनस टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इसको करेंगे हम फैक्टराइजेशन, अभी बताना फैक्टराइजेशन कैसे करना, पहले रफ पे मल्टीप्लाई करो नंबर, और रफ में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वन है यहाँ पे कुछ भी है तो वन समझ लो, वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो माइनस थ्री है ना, एड या सबट्रैक्ट कर तो माइनस टू, एक्चुअली माइनस से जब सबट्रैक्ट होता लेकिन प्रैक्टिकली याद रखो एड या सबट्रैक्ट। अब आसान है इसका, एक ही तो मल्टीपल है, थ्री वन सा थ्री, अब माइनस किसको लगेंगे, माइनस बड़े को लगाना क्योंकि माइनस टू आना ना, अगर आप इसको माइनस लगाए तो थ्री माइनस वन प्लस टू आता, माइनस टू नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे हम इसको माइनस लगाएंगे इसको प्लस लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री वन सा थ्री, ऐड करो माइनस थ्री प्लस वन हो जाता माइनस टू, माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू। अब इसको चेंज करते जाओ एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसको दो में चेंज करो माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स, माइनस थ्री एक्स वन एक्स यानी एक्स ही बोले सब वन एप्पल बोलो या एप्पल बोले की बात ना, तो वन एक्स की वजह एक्स लिखता होगा माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन लेगा, अभी बताया था ना इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स है ना, तो एक्स आ जाएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले लिए तो एक एक्स बच जाता, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले तो एक एक्स बच गया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे थ्री ब्रैकेट प्लस। अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, जब कुछ भी कॉमन है तो वन कॉमन ले लेना, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेना वन कॉमन ले लेना, तो वन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, हमेशा ये दो सेम आते फिर कॉमन ले लेंगे, फिर एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस थ्री कॉमन ले तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री चलेगा, क्या बचा एक्स बचा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब अलग अलग कर लो देर फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, क्या होगा बोलो एक्स इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू थ्री, वैसे और एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, क्या करें हम, हाँ तो कभी क्या होगा डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहेगा, थोड़ा ट्विस्ट करे बाद उसको सॉल्व करे बाद, जैसा यहाँ पे है ना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस टू एक्स पहले एक्स स्क्वायर लिखना फिर एक्स पे क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको फैक्टराइज करें। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो रूट में जाना रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल्स टू जीरो। पहला स्टेप क्या है हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये दो को मल्टीप्लाई कर तो ऑलरेडी हमको मान रूट टू इंटू रूट टू टू है, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो वैसे यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा फाइव रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू 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 फाइव सा टेन यानी टेन है बड़े एक्चुअली। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो टेन आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो सेवन, पूरा प्लस है सब्ट्रैक्ट क्या एडी करना पड़ेगा, ये भी प्लस वही प्लस, और आसान है ना फाइव टू सा टेन, ऐड करो फाइव प्लस टू सेवन। चलो इसको चेंज कर लेंगे, अब कैसे लिखना बोलो रूट टू एक्स स्क्वायर, इसको दो में चेंज करेंगे हम प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों में से कॉमन लेना, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं भी समझा दूँ, एक एक्स्ट्रा एक्स स्टेप लिखा लेंगे हम, इसमें से तो एक्स कॉमन ले लो तो एक्स बाहर निकाल डाले, अब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर ले लिए तो एक एक्स बच गया, ये एक्स बाहर निकाल डाले तो फाइव बच गया प्लस। अब और देखो इसमें कॉमन लेना हो तो यहाँ पे टू है यहाँ पे रूट टू है, लेकिन थोड़ा और करो ये टू को अपन रूट टू में चेंज कर लेंगे, कैसे बोलो टू लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले ले सकते हैं, तो स्वास्थ्य क्या करो ये टू को ले लो रूट टू इंटू रूट टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों में से रूट टू कॉमन ले लो, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया अपन एक्स इंटू रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस, ये दोनों में से रूट टू कॉमन ले लो तो एक रूट टू चलेगा तो एक रूट टू बच जाएंगे रूट टू एक्स प्लस रूट टू कॉमन ले लेना फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये दो सेम आ गया ना फिर से कॉमन ले लो रूट टू एक्स प्लस फाइव कॉमन ले लो,
तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, वहाँ पे क्या बचा रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अलग अलग करा लो, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। क्या आएगा ये प्लस रूट फाइव डालेगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई रूट टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर है ना। और एक क्वेश्चन इस पर करा देंगे इंशाल्लाह। तो ये क्वाड्रेटिक है ना, हम फैक्टराइजेशन से कैसे होंगे। और एक क्वेश्चन वो भी अभी वही क्वेश्चन करा जिसमें थोड़ा ट्विस्टिंग दे रहा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग समझ जाइए, इसको सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फैक्टराइजेशन में, बाद में इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी फैक्टराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, थ्री इंटू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व। थ्री इंटू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। आप और देखो, एक तो क्या आएगा इसको एक्सपेंड करो ए माइनस बी होल स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, वैसा भी कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक मेथड बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ और सपोज कर दो तो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर सेम है ना, थोड़ी देर के लिए इसको कुछ सपोज कर दिया, लेट एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू सपोज बाई ले लिया एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू। तो ये इक्वेशन में जहाँ पे एक्स माइनस फोर है वहाँ पे वाई डालो, थ्री इंटू एक्स माइनस फोर के पे वाई स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर के पे वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। अब ये ट्वेल्व इधर डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करके वाई मान लेंगे, फिर वाई की वैल्यू बाद में इसमें जब रखेंगे तो एक्स आएगा, अभी एक्स नहीं आएगा। अब ये सॉल्विंग कैसे करेंगे, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व प्लस इंटू माइनस 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 थर्टी सिक्स। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस थर्टी सिक्स आना है, ऐड या सबट्रैक्ट करें तो क्या आना है माइनस फाइव। आसान है वो, नाइन फोर सा नाइन फोर जो थर्टी सिक्स, माइनस का नंबर बड़ा लिखना क्योंकि माइनस फाइव आना है, तो मल्टीप्लाई करो माइनस टू प्लस माइनस, नाइन फोर जो थर्टी सिक्स माइनस नाइन प्लस फोर माइनस। अब इसको चेंज करेंगे हम, थ्री वाई स्क्वेयर इसको ऐसा चेंज करेंगे अपन माइनस नाइन वाई, ये दो नंबर्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। पहले दोनों में से फिर दोनों में से कॉमन ले लो, देखो ये दोनों थ्री से कैंसिल होते इसलिए थ्री भी कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर वाई में से वाई, थ्री कॉमन में चले गया एक वाई चलेगा, एक वाई बच गया माइनस वाई तो कॉमन चलेगा। अब नाइन में से थ्री कॉमन ले तो नाइन बाई थ्री क्या होता है थ्री, प्लस इसमें से फोर कॉमन ले लो, जब आप फोर कॉमन ले तो क्या बचेगा फिर माइन वाई, फोर चलेगा, ट्वेल्व बाई फोर क्या होता है थ्री इक्वल्स टू जीरो। फिर दोनों में से कॉमन क्या आएगा वाई माइनस थ्री, यहाँ पे क्या बचेगा वाई माइनस थ्री कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे बचेगा थ्री वाई। अब ये प्लस यहाँ पे क्या बचेगा फोर इक्वल्स टू जीरो। अब अलग अलग कर लो, इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने को, देयर फोर वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और थ्री वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू थ्री और थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस फोर, वाई इक्वल्स टू माइनस फोर बाई थ्री। अभी जो वैल्यूज आए अपने को ये तो जो है अभी हमको वाई के वैल्यूज आए, लेकिन हमको क्या मालूम करना है एक्स के वैल्यूज मालूम करना है। तो हम शुरू में नोट क्या कर रहे थे बोलो, ये लिए थे अपन स्टार्टिंग में है ना, पीछे स्टेप देखिए हम लोग एक्स माइनस फोर की जगह पे वाई ले ली थी, तो ये फोर उधर लेके आ जाओ तो क्या होगा एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस फोर। अब एक्स मालूम करना है अभी तो वाई मालूम करें अपन, अब पहले वाई की जगह पे थ्री रख डालो फिर एक्स की वैल्यू आएंगी, फिर वाई की जगह पे माइनस फोर बाई थ्री हो एक्स की वैल्यूज, तो दो एक्स की वैल्यूज आएंगे है ना। कब स्टेप से क्या पहले क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू थ्री, इसमें एक्स के सॉरी वाई इक्वल्स टू वाई के पे थ्री डालो तो एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर हो जाएगा, थ्री प्लस फोर सेवन। उसके बाद क्या करना है अपने को एक बार वाई एक्स वाई के पे थ्री लिखे, अब क्या करेंगे अपन वाई की जगह पे माइनस फोर बाई थ्री, तो क्या होगा बोलो एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है माइनस फोर बाई थ्री प्लस फोर एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री प्लस थ्री, ट्वेल्व से ले लो थ्री फोर जब ट्वेल्व आता है माइनस फोर प्लस ट्वेल्व बाई थ्री, ट्वेल्व माइनस फोर एट हो गया एट बाई थ्री। देयर फोर रूट्स आर इक्वेशन एक्स में दिया था ना, तो एक्स की वैल्यूज रूट होते हैं वाई की वैल्यूज थोड़ी हुई, तो एक वैल्यू है एक्स की सेवन एंड दूसरी वैल्यू क्या बोलो एट बाई थ्री, एट बाई थ्री है ना। ये तकरीबन ट्वेंटी मिनट्स का वीडियो हो गया है, अभी इंशाल्लाह जो है इसके दो मेथड्स और देखने हैं अपने को। एक है जो है इसका बाय यूजिंग फॉर्मूला, और दूसरा क्या है बाय कंप्लीटिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर, बाय कन्वर्टिंग इनटू स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना, वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आ रहा, तो सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह आगे वीडियोस आते रहेंगे, इंशाल्लाह एसएससी का पोर्शन कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये एसएससी तेलंगाना आंध्रा का है और सीबीएसई का ही पोर्शन तकरीबन यही होता, वो लोग भी वॉच कर सकते हैं या दूसरे बच्चे भी जो है अगर देखना है तो देख सकते हैं।